आयुर्वेद दवाओं के भ्रामक दावों को लेकर आज योग गुरु रामदेव और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण ने माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी हमें स्वीकार नहीं है, आपने जो किया है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है, आप पर अवमानना की कार्रवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कानून के मुताबिक केंद्र ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम हैरान है कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोना से इलाज करेंगे? सही तो सवाल ये है कि बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने ऐसा क्या किया था जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कैसे जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब देश की जनता को मूर्ख बनाकर बाबा रामदेव गोदी मीडिया के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति बनाई। यदि हमने हिंदुस्तान को नहीं जागरूक किया, नहीं बचाया और इस कोरोना की साइकिल को हमने नहीं तोड़ा, तो हमारे यहाँ तो करीब 50-60 करोड़ के करीब ऐसे बुजुर्ग हैं और करोड़ों ऐसे बच्चे हैं, उनको की जान हम जोखिम में डाल सकते हैं। और राष्ट्र के प्रति समर्पित ये एक ऐसे योद्धा हैं जो सालों से लगातार इस देश को जागरूक कर रहे हैं। योग करो ना, नो कोरोना, कुछ भी। बड़ी बात यह कि वैक्सीन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन कोरोना से बचने का नुस्खा स्वामी रामदेव ने तैयार कर। नाम क्या बेटा? आपटे बाबूराव गणपत राव आपटे। कहाँ से हो? मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है। इसको ऊपर बुलाओ, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। आओ आओ, ये लड़का प्रमाण है, देखो इसको ब्लड कैंसर था। देवा देवा देवा, मेरे को वापस दवाई लेना पड़ेगा। आज आप संकल्प लेकर के जाओ। क्या बात कर रहे रे बाबा? मैं दारू की एक बूंद अपने शरीर में नहीं जाने दूंगा। दारू नहीं रे बाबा, दवाई। बाबू ये चल ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं। हमेशा ये मानो कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ। कौन ईश्वर? और राशन की दुकान वाला हलकट बनिया। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। कान की। वो पूरा दुकान लेके गए तू कान के पीछे। ये है बाबा रामदेव, भारत के जाने माने योग गुरु और बिजनेसमैन पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक। 23 जून 2020 को बाबा रामदेव ने एक चौंका देने वाला दावा किया। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 3 से 7 दिनों में नेगेटिव, 7 दिन में 100% रिकवरी। ये खाली कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए भी है। दोनों ऐसा बोलो, इसका प्रिवेंशन भी है और इसकी मेडिसिन भी है, ऐसा बोलना चाहिए। और एक ही दिन के अंदर एक और चौंका देने वाला दावा सामने आया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि ये कोरोना की औषधि है। हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं अभी दिया। और फिर एक ही हफ्ते में ये हुआ। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई। ये हैं आचार्य बालकृष्ण, जो बाबा रामदेव के राइट हैंड माने जाते हैं और पतंजलि में लगभग 99%। हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और इसी चमत्कारी के वजह से आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक लगा दी। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज के तहत, जिसमें किसी भी चमत्कारी दवाई या मेडिकल क्योर की दवाई या एडवर्टीजमेंट करना एक जुर्म है। और हमने कोई विज्ञापन नहीं किया है, ना कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ना कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं। पर यहाँ दिलचस्प ये है कि हमारे न्यूज चैनल्स ने फिर भी ये दवाई बेची। इन 4 तरीकों से सबसे पहले कोरोनिल पर एक भी सवाल पूछे जाने से पहले हमारे न्यूज चैनल्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आज पतंजलि आयुर्वेद ने एक बार फिर से कमाल किया है। शुक्रिया कहूंगा और इस बधाई के साथ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। और बधाई इस रामबाण के लिए। और इससे पहले कि ऑडियंस के दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो, हमारे न्यूज चैनल्स खुद ही इस दवा को प्रमाणिकता देने में जुट गए।
मतलब एक तरीके से ये कितनी बड़ी खबर होगी, आप सोचिए, कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्क बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं कोरोना की दवा खोजने के लिए, कोई नहीं खोज पा रहा। वो स्वामी बाबा रामदेव ने कैसे किया? आप समझते हैं, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। फिर हमारे न्यूज चैनल्स ने अपने स्टार एंकर्स को कोरोनिल का सेल्समैन बना दिया। मैं कह रहा हूँ ये जो कोरोनिल दवाई है, ये जो पैकेट है जो आप दिखा रहे हैं, जरा उठा के दिखा दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहे कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। नंबर एक, कब से मिलेगा और कितने का, ये कि पूरी किट कितने की होगी? मुझे भी अब जरूरत लगेगी, मुझे लग रहा है मुझे भी 550 रुपए पतंजलि को ढीले करने पड़ेंगे। और आखिर में हमारे न्यूज चैनल्स ने आखिर में ये सुनिश्चित किया कि बाबा रामदेव से कोई सवाल न पूछ सके, और ये उन्होंने किया इस मुद्दे को हीरो वर्सेस विलेन बनाकर। तो आज ये बता दीजिए बाबा साफ साफ, ये कौन सी लॉबी है जो बाबा रामदेव और इन आयुर्वेदा के खिलाफ है? क्योंकि चाहे वो वामपंथी विचार के लोग हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो, वो कोई ना कोई इसमें निगेटिव चीजें ढूंढेंगे। आपके पीछे पूरी फार्मा लॉबी पड़ी हुई है अभी। और ऐसा करके हमारे न्यूज चैनल्स ऑडियंस के दिमाग में ये बैठा देते हैं कि इसके बारे में सवाल पूछना ही नहीं है। लेकिन इसको लेकर रामदेव पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि सवाल कितना वैज्ञानिक है, कितना तथ्यात्मक है, सवाल पूछने वालों को ही विलेन बना दिया जाता है। तो आपको ये भी पता है आपके इस वक्त बहुत दुश्मन होंगे। पर अगर हमारे न्यूज चैनल्स उस क्लिनिकल ट्रायल की जांच करते जिसके आधार पर कोरोनिल को 100% कोरोना का इलाज कहा गया था, तो ये पता चल जाता कि ये ट्रायल सिर्फ 100 लोगों पर ही हुआ था। उसमें भी जो कोरोना के माइल्ड सिम्पटोमेटिक और एसिम्पटोमेटिक मरीज थे, ये उन्हीं लोगों पर ट्रायल किया गया है। वह ऐसे लोग जो बिना दवाई के भी ठीक हो सकते थे। यहां तक कि इस ट्रायल में हल्के लक्षण वाले लोगों को एलोपैथी दवाई भी दिया गया था। और इस ट्रायल में पहले मरीज से लेकर कोरोनिल के लॉन्च होने तक 1 महीने से भी कम का वक्त लगा था। कोरोनिल का 100% हमने साइंटिफिक जो ड्रग जिसका साइकिल है, जो रिसर्च पर बेस्ड ड्रग, क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी दावा जो साइंटिफिक बोलकर बेचा जा रहा हो और उसके पीछे ऐसा कोई भी वैज्ञानिक आधार या साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, ऐसे उसे कहते हैं जंक साइंस, जिसे हम हिंदी में कचरा विज्ञान कह सकते हैं। पर कोरोना जैसी महामारी के वक्त ऐसा कचरा विज्ञानम बेचना बहुत खतरनाक हो सकता था। इसको कोरोना होने से पहले भी खाना चाहिए, और कोरोना हो जाए तो खाए ही खाए तो कोरोना खत्म हो जाएगा। मान लीजिए एक इंसान इन न्यूज चैनल्स और कोरोनिल पर विश्वास करके ये सोचने लगता है कि उसके पास अब कोरोना की वैक्सीन भी है और दवाई भी है, ये दोनों है, और इसलिए वो नियमों का पालन करना छोड़ देता है और बिना डर के बाहर घूमने फिरने लगता है। और वहीं कोरोना का मरीज इस दावा को लेके ये सोचने लगता कि अब उसे कहीं इलाज के लिए या हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा करना कई मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये खा लेंगे तो हो जाएगा, एलोपैथी खाना छोड़ दें, या कुछ कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं अभी तक। तो इस कोरोना महामारी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी क्या हमारे किसी भी न्यूज चैनल के पास कोई कोरोना संवाददाता या कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कोरोना का एक्सपर्ट हो, जैसे डिफेंस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या राजनीतिक संवाददाता होते हैं? और अगर है तो फिर ऐसी झूठी जानकारी और फेक न्यूज इन न्यूज चैनल्स पर कैसे दिखाई जा रही है? यदि जवान व्यक्ति 100 बार और बुजुर्ग व्यक्ति 50-60 बार ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेता है, इसका मतलब उसको कोरोना नहीं है। और ये कोरोना काल में भी पहली बार नहीं था जब हमारे न्यूज चैनल्स ने बाबा रामदेव के दावों को जानकारी की तरह दिखाया। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा और पेट के जो केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देते हैं। तो क्या इसका कारण ये है कि पतंजलि इन न्यूज चैनल्स का बहुत बड़ा एडवर्टाइजर रहा है और न्यूज चैनल्स की कमाई का सबसे बड़ा जरिया ये विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं? तो फिर तो दुनिया को बचाएगी कोरोनिल। तो एक वैश्विक महामारी या ग्लोबल पैंडेमिक के वक्त सही और वैज्ञानिक जानकारी मिलना शायद उतना ही जरूरी हो जाता है जितना सही इलाज मिलना। और ऐसे वक्त में हमारे न्यूज चैनल्स ने हमको ये अवैज्ञानिक और चमत्कारी दवाई बेच के क्या सही किया या गलत? जी बाबा जी, बात को घुमाइएगा मत, मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछूंगी, उसका एक बहुत सीधा सा जवाब दीजिएगा। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या, जल्दी बता दो।
बिना पूछे नहीं मानोगी यार? नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर अगली बार क्या बताऊंगा? नहीं नहीं बहुत अगली बार बहुत, के लिए बहुत, के बहुत, बहुत बहुत प्रश्न है मेरे लिए। अगली बार आप बताइए। अगली बार के लिए एक बार एक अफवाह उड़ी थी कि बाबा रामदेव ही का नाम दूसरा नाम मोगली है, जिनको जंगल के औषधियों की बहुत सारी जानकारी है।